उड़ीसा रेल हादसा इतना भयावह हुआ कि वहाँ की जब आप विजुअल देखिएगा, वीडियो देखिएगा, तो आपका शरीर का हर रोंगा रोंगा कांप उठेगा। एक पिता है जो कि अपने बेटे को, जवान बेटे की डेड बॉडी को खोज रहे हैं, जहाँ लगभग 200 लाश रखा हुआ है, लेकिन उनका बेटा का डेड बॉडी उन्हें नहीं मिल रहा है। इस पर बात करेंगे, समीर चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहिएगा, वहाँ का वीडियो देखे हैं आप? देखिए, बहुत दर्दनाक ये जो अभी चल रहा है माहौल, ये खाली बीजेपी के शासन में ही आपको देखने को मिल रहा। ये जब तक मोदी रहेगा तब तक सबको टेलेगा, टेलेगा मैंने समझ रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार कभी साक्षी हत्याकांड इतना दर्दनाक से हो जा रहा है। तो भैया आप कर क्या रहे हैं? आप नोटबंदी कर रहे हैं, आप नए का घर ओपनिंग कर रहे हैं, आप संविधान बदल रहे हैं, इसके अलावा आप क्या किए? मतलब एक 65 साल का पिता अपने जवान बेटे को खोज रहे हैं, 200 लाश उसके बीच में कचरा की ढेर की तरह, लेकिन उनका बेटा नहीं मिला है। रोआ खड़ा हो जा रहा है, देखते हैं तो समझ रहे हैं। और सुन ले, जितने वहाँ पे जो कंपाउंडर है, ये सब झोला छाप डॉक्टर सब हरामजादे के औलाद लोग, लाश को तो ऐसे फेंक रहे जैसे लग रहा है कि ओकरा घर के कोई कचरा है। लाश को बिगा जा रहा है, कचरा की तरह उठा उठा के फेंका जा रहा है। इंसान की औलाद हो गए, अगर तुम एक बाप की औलाद हो गए, नजायज की औलाद नहीं हो, तो कृपया लाश को आराम से वहाँ रखिए। 2 गज कफन नहीं उसको नसीब हो सकता था? क्या बताया जाए, ऐसे ऐसे हम तो यही कहेंगे तमाम जनता को कि अच्छा हो रहा है आप लोगों के साथ। क्या प्रधानमंत्री के जान की कीमत आम लोगों की जान की कीमत नहीं है? नहीं, आम लोगों की जान की कीमत बीजेपी के शासन में किसी की नहीं रहेगी। अभी तो कुछ नहीं है, समीर चौधरी पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था और कह भी दे रहा कि बीजेपी को जाते जाते एक हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा राइट होगा जिसमें कई 1000 घर को आग लगा दिया जाएगा और कितने का सर काट। जब पंजाब में प्रधानमंत्री की गाड़ी फ्लाई ओवर पर 10 मिनट रुक जाती है तो कहते हैं कि वो अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि प्रधानमंत्री जिंदा वापस लौट गया। जब आपकी जान की इतना परवाह आपको है साहब, तो आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। बस हम यही कहेंगे कि देखिए, जितने भी वहाँ पे लोग सही जिनकी मृत्यु हुई है, तमाम लोगों को अगर रेलवे के माध्यम से या फिर मोदी जी के माध्यम से 10-10 लाख रुपया इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, और वो सबसे पहले उस रेल मंत्री को तुरंत कहिए इस्तीफा दे, और नहीं तो तमाम जितने जो मौगा टाइप के जो लोग हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं कि हम नागरिक हैं, तुम्हें नागरिक ना है, तुमने चाटने वाले लोग हो, हड़ताल करो, रेल हड़ताल करो, चक्का जाम करो, सबको मुआवजा मिलेगा। और बीजेपी को जो अभी ये जो झंडा जो लहर रहा है ना, ये लहरते हुए झंडा को लहकाने का काम करो। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को जरा भी शर्म होगा ना, तो तुरंत रेल मंत्री का इस्तीफा ले लेते, क्योंकि इससे पहले शर्म नहीं है। सुन लो, मोदी जी से हमको पहले, मोदी को तो कुछ मानवे ना करा लियो जी, अभी तनी मुनी खाली हमारा हल्का फुल्का एक आध को कुछ ठीक लग लो तो मान लो हल्का, लेकिन अब और ना माने थे कि दुर्घटना पे ड्राइवर भाग गया, वहाँ का ड्राइवर नहीं मरा है। तमाम जनता को समीर चौधरी बता देना चाहता है कि ड्राइवर भाग गया था मौके पे, ट्रेन रोके हुए था वो, और जैसे देखा कि टकराने वाला तो उतर के वो भाग गया, देखिए मौका ड्राइवर के। और हम पूछते हैं साक्षी हत्याकांड में अगर मोदी जी को संविधान बदलने का इतना ही शौक है, ये को बदल दीजिए ना, लाइव टेलीकास्ट उलौंडा का मौत दीजिए, एकदम लाइव फांसी चढ़ाइए, और मरने के बाद उसके लाश को आप जनता के हवाले कर दीजिए, तब ना मानेंगे कि आप मोदी जी हैं। हैं, ये सब का सब ढोंग है, खाली नया एक्सीडेंट मतलब समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि आप सीन में देखते होंगे कि खिलौना जिस प्रकार छिटाया जाता है उस प्रकार ट्रेन का बोगी सब छिटाया हुआ है। लगातार इन पर आरोप लगते रहा है, कभी सैनिक की हत्या का आरोप लगता है कि पुलवामा अटैक कराए, अब लोग कह रहे हैं कि रेल हादसा जानबूझ के कराया गया है। जानबूझ के ही है, लोग क्या कर रहे हैं, समीर चौधरी भी कह रहा है, और क्या रहा है ना कि देखिए अभी अगला महीना अगला साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन में माहौल को गर्म करने के लिए मुद्दा गर्म चाहिए ना, वो समय गया कि कमल कीचड़ में खिला करते थे। आप गौर से देखिए वहाँ पे, कैमरामैन फोकस कीजिए वहाँ पे कि वो कमल देखिए कहाँ खिला हुआ है, गौतम बुद्ध के बगल में वो कमल खिला हुआ है। मोदी जी चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो बिहार को भारत को टेलने में सबसे बड़का काम मोदी करेगा। इस देश में प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं, कचरा के ढेर के बराबर आम आदमी है। क्योंकि जब पंजाब के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 5 मिनट के लिए महज रुक जाता है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं वहाँ के नेताओं को कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ से जिंदा वापस लौट गए हैं। तो आप लोग ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इस वीडियो का फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पेज को फॉलो करें, और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।